दोस्तों, मैं आज बात करने जा रहा हूँ दुनिया के प्रसिद्ध भारतीय एस्ट्रोफिजिसिस्ट खगोल भौतिक विद श्री जयंत नार्लिकर जी के बारे में, जिन्होंने अपने खोज, रिसर्च और राइटिंग्स के दम पर खगोल शास्त्र को एक नई दिशा दी। अपने काम के लिए उन्हें 2004 में पद्म विभूषण से सम्मानित किया जा चुका है। दरअसल पद्म विभूषण भारत का दूसरा सबसे बड़ा सिविलियन अवार्ड है। तो चलिए जानते हैं डॉक्टर जयंत नार्लिकर जी के बारे में। डॉक्टर जयंत नार्लिकर जी का जन्म 19 जुलाई 1938 को महाराष्ट्र के कोल्हापुर में हुआ था। उनकी माता जी सुमती नार्लिकर संस्कृत की विदुषी थी और उनके पिताजी विष्णु नार्लिकर बनारस हिंदू विश्वविद्यालय में गणित के अध्यापक थे। सन 1957 में नार्लिकर जी को बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी से बीएससी की डिग्री प्राप्त हुई। फिर उनकी काबिलियत के कारण उन्हें टाटा से स्कॉलरशिप मिली और आगे की पढ़ाई करने के लिए वह कैम्ब्रिज गए और वहां पर मैथमेटिक्स पढ़ने लगे। इसी दौरान उनका एस्ट्रोफिजिक्स में इंटरेस्ट बढ़ गया। उन्होंने 1959 को कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी से बीए की डिग्री प्राप्त की। फिर 1960 में उन्हें एस्ट्रोनॉमी के लिए हाइसन मेडल से सम्मानित किया गया, जो कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में एस्ट्रोनॉमी के बेस्ट परफॉर्मर को दिया जाता है। उन्होंने 1963 में पीएचडी की डिग्री लेने के बाद 1964 में एस्ट्रोनॉमी और एस्ट्रोफिजिक्स में किंग्स कॉलेज से मास्टर्स डिग्री प्राप्त की और फिर 1972 तक कैम्ब्रिज में ही रिसर्च करते रहे। 1966 में फ्रेड हॉयल ने कैम्ब्रिज में इंस्टीट्यूट ऑफ थियोरेटिकल एस्ट्रोनॉमी की स्थापना की, जिसमें नार्लिकर जी 1966 से 1972 तक फाउंडिंग स्टाफ मेंबर के पद पर थे। 1972 में नार्लिकर जी ने मुंबई के टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च TIFR में प्रोफेसरशिप ले ली। 1988 में भारत के यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन ने पुणे में इंटर यूनिवर्सिटी फॉर एस्ट्रोनॉमी एंड एस्ट्रोफिजिक्स की स्थापना की और नार्लिकर जी इस इंस्टीट्यूट के फाउंडर डायरेक्टर बन गए। अपनी मेहनत और काबिलियत के दम पर उन्होंने आयुका को एक वर्ल्ड क्लास इंस्टीट्यूशन बना दिया। जयंत नार्लिकर जी ग्रेविटी की एक नई थियोरी के लिए जाने जाते हैं। नार्लिकर जी और उनके कोर रिसर्चर फ्रेड हॉयल ने एक्सप्लेन किया कि ब्रह्मांड का कोई दूर का तारा नष्ट हो जाए तो पृथ्वी के लोगों का वजन 2 गुना बढ़ जाएगा और सूर्य की ऊर्जा 100 गुना से भी ज्यादा बढ़ेगी। इस थ्योरी को उन्होंने मैथमेटिकली प्रूव किया और जो वैज्ञानिक इस पर विश्वास नहीं करते थे वे भी अब इस सिद्धांत पर विश्वास करने लगे। 11 जून 1964 को पहली बार उन्होंने इस थ्योरी को लंदन रॉयल सोसाइटी में प्रेजेंट किया था। वह NCERT के साइंस और मैथ्स के सलाहकार समिति अर्थात एडवाइजरी ग्रुप के चेयरपर्सन भी रह चुके हैं। नार्लिकर जी को कई अवार्ड से सम्मानित किया गया है। 2004 में उन्हें पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया, जो इंडिया का दूसरा सबसे हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड है। 1981 में उन्हें राष्ट्रभूषण से सम्मानित किया गया और 2010 में महाराष्ट्र भूषण अवार्ड उन्हें मिला। 1996 में उन्हें यूनेस्को के कलिंगा प्राइज से भी सम्मानित किया गया था। 1990 में इन्हें इंडियन नेशनल साइंस एकेडमी के इंदिरा गांधी अवार्ड से सम्मानित किया गया था और 2014 में उन्हें चार नगरातले मासे विश्व इस मराठी किताब के लिए साहित्य अकादमी अवार्ड से भी सम्मानित किया गया था। नार्लिकर जी ने इंग्लिश, हिंदी और मराठी में कई पुस्तकों का लेखन भी किया है, चाहे वो फिक्शनल हो या फिर नॉन फिक्शनल। मैंने भी उनकी एक मराठी किताब पढ़ी है जिसका नाम है प्रेषित। यह एक कमाल का फिक्शनल किताब है। उनका सारा लेखन कमाल का होता है। उनका यह कहना है कि वह सिर्फ ऐसे फिक्शन पसंद करते हैं जो साइंटिफिक बेसिस पर सही हो। ऐसे साइंटिस्ट जो विद्वान है और जिनका भारत के विकास में महत्वपूर्ण योगदान है, ऐसे महान वैज्ञानिक को मेरा सलाम। उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको यह वीडियो पसंद आया हो। वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें
और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। मिलेंगे अगली वीडियो में एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए स्टे हंग्री स्टे फुलिश। आपका अनमोल समय देने के लिए धन्यवाद। जय हिंद।